मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सफेद तिल और काले तिल की चिक्की, जो खाने में बहुत टेस्टी होती है और बहुत हेल्दी भी होती है। तिल में कैल्शियम भर के भरपूर मात्रा में मिलता है, इसे हमें जरूर खाना चाहिए। और इसकी चिक्की या लड्डू जो हमको पसंद हो उसको बनाकर रख लेना चाहिए। तो हमने इसे बनाने के लिए लिया है 200 ग्राम सफेद तिल और 200 ग्राम काला तिल। तो इसी हिसाब से मैंने 400 ग्राम गुड़ लिया है, कुछ हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और इलायची का पाउडर। ये दोनों ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए, अगर आपको पसंद हो तो डालें, इससे स्वाद थोड़ा सा और बढ़ जाता है, टेस्टी बन जाता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें तिल को भूनना होगा चिक्की बनाने के लिए। तो हमने गैस पर पैन रख दिया है, गैस को मैंने ऑन किया है और अब हम इसके अंदर तिल को डाल देंगे। रेसिपी को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। इसे बराबर चलाते हुए हमें भूनना है। तो तिल को भूनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, हमें इसे तेज आंच पर नहीं भूनना है, नहीं तो जल जाएगा। 2 से 3 मिनट में तिल हमारा भूनकर तैयार हो जाता है। जब इसमें से चिटचिट की आवाज आने लगे और इसमें हल्की सी खुशबू आने लगे, तब तक हमें इसे भूनना है और बराबर चलाते हुए भूनना है। अगर ये जल जाएगा तो तिल हमारा कड़वा हो जाएगा, तो इसकी चिक्की जो होगी वो अच्छी नहीं लगेगी, खाने में कड़वी लगेगी। तो इसे हमें बराबर चलाते हुए भूनना है, ध्यान रखना है ये जले ना। तो तिल हमारा भून चुका है, आप सुन सकते हैं इसमें से हल्की सी चिटचिट की आवाज भी आ रही है। तो बस और ज्यादा हमें इसे नहीं भूनना है। तो आप इसे देखकर भी चेक कर सकते हैं कि तिल हमारा फूल जाता है। जब ये भून जाता है तो तिल हमारा मोटा मोटा हो जाता है, फूल जाता है। तो इस तरीके से हमें इसे भूनना है। तो मैंने इसे भून लिया है, इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो मैंने वापस पैन को गैस पर रख दिया है और अब हम इसके अंदर सफेद तिल डाल देंगे। तो इसे भी हमें इसी तरीके से भूनना है, बराबर चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक हमें भून लेना है। आंच को हमें स्लो मीडियम पर रखना है। तो ये भी तिल हमारा भून चुका है, आप देख सकते हैं इसका कलर हल्का सा ब्राउन हो गया है। तो इसे भी निकाल लेंगे प्लेट में। तो दोनों तिल हमारे भून चुके हैं और मैंने वापस पैन को गैस पर रख दिया है। तो अब हम पैन के अंदर 1 चम्मच घी डालेंगे, इससे चिक्की हमारी अच्छी बनेगी, स्वादिष्ट बनेगी और चिक्की के अंदर शाइनिंग भी आ जाएगी। तो घी हमारा मेल्ट हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर गुड़ डाल देंगे, जिसे मैंने तोड़ करके पहले से रख लिया है। तो आंच को मैंने मीडियम कर दिया है और इसे हम बराबर चलाते रहेंगे, इसे हमें मेल्ट करना है। तो इसके अंदर हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। तो अगर इसके अंदर हम पानी डाल देंगे तो चिक्की जो है हमारी जल्दी खराब हो सकती है। और इस तरीके से अगर इसे हम बनाएंगे, इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे, तो इसे हम काफी दिन तक रख सकते हैं, 3 से 4 महीने तक इस चिक्की को रखकर खा सकते हैं। तो इसे हमें बराबर चलाते रहना है और अच्छी तरीके से ये मेल्ट हो जाए तो हमें इसे चलाते रहना है। तो गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसे हमें बराबर चलाते रहना है और 1 मिनट तक इसे हम पका लेंगे। तो मैंने 1 मिनट तक गुड़ को पका लिया है और गुड़ से अच्छी खुशबू आने लगी है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसके अंदर डालेंगे इलायची का पाउडर, इसे मिला लेंगे। तो इसे मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, गुड़ को हमें डिवाइड करना है 2 भाग में, क्योंकि हमने काला तिल लिया है और सफेद तिल लिया है। तो हम क्या करेंगे, आधा गुड़ हम काला तिल के अंदर डाल देंगे, मैंने इसे थाली में रखा है। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, तो इसे साइड में रखते हैं। और इधर सफेद तिल जो हमारे पास है, इसे हम पैन में डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो मैंने इसे अच्छी तरीके से मिला लिया है, फटाफट इसे हम जमा लेते हैं चिक्की काटने के लिए। तो हमने चिक्की बनाने के लिए चॉपिंग बोर्ड लिया है, आप प्लेट भी ले सकते हैं, थाली भी ले सकते हैं। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से लगा लेंगे, जिससे चिक्की हमारी जो हम बनाएंगे, पट्टी हमारी अच्छी तरीके से निकले, चिपके ना। तो बस फटाफट अब इसके ऊपर हम चिक्की को जमा लेते हैं। तो तिल को हम अच्छी तरीके से फैला लेंगे, अभी ये गर्म है तो इस तरीके से हाथ से इसे हम नहीं कर सकते, तो इसे किसी कलछी से अच्छी तरीके से दबा लें। जितना मोटा या पतला रखना है आपको, उस हिसाब से आप इसे बना सकते हैं। तो
तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट, थोड़े से पिस्ता और बादाम डालेंगे ऊपर से, और इसे हल्का सा बेलन से हम दबा देंगे। तो क्या होगा, इससे ड्राई फ्रूट हमारा जो है वो चिपक जाएगा और ये थोड़ा सा पतला भी हो जाएगा। तो हल्के हाथों से इसे हम दबाते हुए इस तरीके से बेल लेंगे। तो मैंने इसे अच्छे तरीके से दबा दिया है, तो चलिए इसे हम काट लेते हैं। अभी ये हल्का सा गर्म है तो आसानी से कट जाएगा। चाकू से इसकी पीसेस करेंगे, छोटा या बड़ा अपने पसंद से आप इसे काट सकते हैं। तो मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं और फटाफट काले तिल को भी हम इसी तरीके से चिपका लेते हैं, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा, इसलिए हमें फटाफट ये करना होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरीके से दबा दिया है। आपको जितना मोटा या पतला रखना हो आप उस हिसाब से इसे दबा सकते हैं और इसे बड़ा कर सकते हैं। तो ऊपर से ड्राई फ्रूट को हम डाल देंगे, अच्छी तरीके से इसे फैला देंगे और इसे कलछी की मदद से अच्छी तरीके से दबा देंगे। तो इसके भी हम पीसेस कर लेते हैं, हल्का सा भी गर्म है तो इसके पीसेस अच्छी तरीके से हो जाएंगे, नहीं तो बाद में ठंडा हो जाएगा, टाइट हो जाएगा तो ये टूटने लगेगा। तो सफ़ेद तिल की तरह मैंने काले तिल को भी अच्छी तरीके से जमाने के बाद अब इसके पीसेस कर लिए हैं। तो ये चिक्की हमारी बनकर तैयार हो गई है, तो चलिए इसे हम प्लेट में निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी पीसेस कितनी अच्छी तरीके से अलग हो रही हैं, खाने में बहुत टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है। इसे हम सर्व करते हैं प्लेट में और ये हमारी सफेद तिल की पट्टी भी तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है ये। तो इस तरीके से आप बनाकर इसे 2 से 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, खराब नहीं होती है खाने में। इसे भी प्लेट में सजा लेते हैं। तो बनकर तैयार हो गई है हमारी तिल और गुड़ की चिक्की, या फिर तिल या गुड़ की पट्टी भी कह सकते हैं इसे। आप देख सकते हैं देखने में कितनी अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। तो इस तरीके से आप तिल और गुड़ की पट्टी बनाइए, खाइए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी तिल और गुड़ की पट्टी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।